गुड मॉर्निंग, हैप्पी बसंत पंचमी एंड हैप्पी सरस्वती पूजो। एकदम सुबह की पहली किरणों के साथ मैं आपसे मिल रही हूँ। आज की सुबह एक अलग है, वातावरण अलग है, हवा अलग चल रही है, सब कुछ अलग अलग लग रहा है क्योंकि आज है सरस्वती पूजा। माँ सरस्वती विराज रहे हैं आज। बहुत ही खुशी की दिन है। बचपन में तो बहुत 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 ज़्यादा खुशी मिलती थी और बहुत इंतज़ार करती थी कब सरस्वती पूजा होगी और कब मम्मी की नई वाली साड़ी पहन के स्कूल जाऊंगी। हमारे स्कूल में ऐसा ही था कि लास्ट नाइट तक हम लोग स्कूल को डेकोरेट करते थे, आलपुरा लगाते थे, स्कूल को सजाते थे। सब अपनी अपनी जो क्रिएटिविटी है वो लेके मैम के पास जाती थी। मैम सेलेक्ट करके सब कुछ मतलब ऐसे ही डिस्प्ले करती थी। हाँ, हल्दी वल्दी लगाना होता था, वो क्या बताऊँ आपको, वो सब दिन याद आ जाते हैं। हमारे बच्चों को तो वो सब मौका नहीं मिला और आजकल पता नहीं वहाँ पे भी इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि नहीं। तो चलिए, वो तो एक अलग ही दिन था। चलिए सुबह स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जाऊँगी, कल गई थी लेकिन फूल नहीं लेके आई क्योंकि आज फ्रेश सुबह सुबह जाके फूल लेना था और कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऑर्डर करके आई हूँ, तो आज जाके वो लेके आऊँगी। ठीक है, चलो। पहुंच गई फूलों के दुकान पे। देखो तो कितने सारे तरह तरह के गुलाब है यहाँ पे। कौन सा लूँ? मुझे ना खास करके गुलाबी रंग के गुलाब पसंद है, वो बहुत नरम होते हैं और खुशबूदार भी। दोनों क्या कर रहे हैं? देखो, हे भगवान, सुबह सुबह झगड़ा। ये हल्दी है, इसको कूटना है, कूट के आज इसको लगा के फिर नहाना होता है। इस साल बसंत पंचमी 14 फेब को था। हाँ हाँ, आई नो, रूटीन में ब्रेक हो गया है, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बट ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ इतना सोच समझ के क्या शेयर करना। इसलिए सोचा पूजा के दिन मैंने क्या क्या किया है आपके साथ तो शेयर करना बनता है। ये छोटा सा अल्पना, और यहाँ पे ना थोड़ा सा मिट्टी लेना होता है, यहाँ पे मैं घर पर बिठाऊंगी। इसलिए छोटू सा चांदमाला, इसको हम चांदमाला बोलते हैं। माँ सरस्वती की दाहिनी तरफ ये चांदमाला बस लगा दिया। आपको पता है माँ सरस्वती को पीला और सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए हम ना कोशिश करते हैं आज के दिन ज़्यादातर पीला रंग पहनने के लिए। परेशान हो रही थी मैं कि ये पहली बार नहीं जाऊंगी, तो एक बार दर्शन करके थोड़ा फूल लेके आऊंगी आनू के लिए, और भोग जो है मिल रहा है वो भी लेके आऊंगी। आनू घर पे ही है, उसको लेके जाना मतलब आना जाना फिर सब कुछ देर टाइम, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको घर पे ही रहने देते हैं। चलो सरस्वती का भोग, यहाँ पे वेजिटेबल राइस है और पनीर कोरमा टाइप कुछ है, पनीर नवरत्न, और यहाँ पे रसगुल्ला है। इंजॉय करो भोग। हाँ, इवनिंग में कॉफी पीने के लिए हम लेडीज लोग मिलके गए थे रामेश्वरम कैफे। कैफे तो बहुत फेमस है, आपके साथ डिटेल में बाद में शेयर करूंगी जब यहाँ पे जम के खाना खाने आऊंगी। आज तो बस छोटा सा झलक। हॉल टिकट कलेक्ट करने आनो भाई, बोलो स्कूल जा रही हो आप? हॉल टिकट लेने जा रही है अनु, पापा लेके जाएंगे अनु को। चलो, काउंट डाउन स्टार्ट हो गया आज से। आज ना झटपट काम करके मैं उसको पिकअप करने जाऊंगी क्योंकि वो तो ऑफिस चले जाएंगे। 9:30 को मुझे निकलना पड़ेगा, उससे पहले काम कर दूँ झटपट। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज 15th of February, ये ब्लॉग थोड़ा लेट ही जाएगा तो आपको डेट बता देती हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आज से इस ब्लॉग को अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आनू आज हॉल टिकट कलेक्ट करने के लिए गई है क्योंकि बच्चों का सिग्नेचर लगता है, और उसके बाद जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो मैम देंगी, क्लास फोटोज, ये सब कुछ है, तो इसलिए असेंबली होगा, इसलिए जल्दी जल्दी जाना पड़ा। चलिए मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। आज गुरुवार भी है, रत्ना आएगी आज लेट, तो मैं सोच रही हूँ नहा के पूजा करके थोड़ा बहुत खाना बना के फिर जाऊँगी। और हाँ, आज एक और चीज़ है, आज है शीतला षष्ठी, आज ठंडा खाना खाना पड़ता है। कल रात को ही मैंने कुछ बना के रख दिया था, दिखाऊंगी आपको दोपहर को क्या खा रही हूँ, उतना कुछ अच्छा खासा नहीं है, लेकिन हाँ कल रात को भी बना के रख दिया मैंने ताकि आज
दिक्कत ना हो, वैसे भी बना के रखना ही होता है। और सुबह सुबह जो है दही हल्दी का टीका भी लगाना होता है, जो मैंने आहनु को लगा दिया। ठीक है, आज मैंने सोचा था एक वीडियो पोस्ट करूंगी, लेकिन कुछ एडिटिंग अभी भी बाकी है। अभी आप बताओ, अभी मैं ये सब काम करूँ या फिर एडिटिंग करूँ? तो इसलिए ये सब काम करके, एडिटिंग करके आपके लिए बहुत मन खराब होता है कि मैं आपसे मिल नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। चलो ये सब करके फिर आपसे मिलूँगी जब आहनु को लेने जाऊँगी। ठीक है, बहुत दिनों के बाद फिर से आहनु को लेने जाऊँगी। हाँ, हमारे बैंगलोर की चेरी ब्लॉसम से। इस महीने से बैंगलोर में चेरी ब्लॉसम खिलना शुरू हो जाता है, फेब्रवरी और मार्च। कितना अच्छा लगता है मैं आपको क्या बताऊं। हर एक जगह पे नहीं मिलता है, कुछ कुछ रोड ऐसा है जो पूरा पिंक हो जाता है। आप अगर मेरा व्लॉग बैंगलोर में बैठ के देख रहे हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि कौन सा रोड ऐसा है जहाँ पे चेरी ब्लॉसम के टाइम पे पूरा रास्ता पिंक हो जाता है। मुझे जाने का बहुत मन है। ऑटो में चढ़ के ही मैंने आपको बता दिया था आज मैं लेट हूँ, और उसके बाद क्या कहना, रोड में भी आज भरपूर जैम है। बस पहुंची भी लेट आहनु के पास। आहनु को मैं पिकअप करने आई, आहनु अपने फ्रेंड के साथ चल गई थी चिप्स खरीदा, मुगुनुगु खरीदा है। आज इसके फ्रेंड की हैप्पी बर्थडे है। अच्छी टेस्टी टेस्टी मेनू, जल्दी जल्दी हम दोनों को बहुत भूख लगी है, इसको भी और इसको भी, मतलब मुझे भी। तो यहाँ पे फ्लैट बीन्स है, इसकी सब्जी है, ये सब्जी है बीट रूट गाजर की, और इधर फिश है। सब्जी एंड फिश, प्रोटीन से भरा हुआ। चलो झटपट खा लेते हैं और देखो स्टार्ट कर दिया। गुड इवनिंग, अ वेरी हैप्पी इवनिंग। क्या कर रहे हो आप सब लोग इस वक्त, मतलब इवनिंग के वक्त 5:30, इस वक्त क्या करते हो आप सब? कोई कोई शायद टेरेस में घूमते होंगे, कोई कोई बाहर जाते हो टहलने, कोई चाय पीते हो अपने बैल्कनी में बैठकर। काम से छुटकारा आपको मिलता ही नहीं होगा किसी किसी को। मैं क्या करूंगी, मैं इधर कभी उधर कर रही हूँ। आहनु पढ़ाई करते करते थक गई तो कुछ देर के लिए नैप ले रही थी, सो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। बात वैसे होता नहीं है क्योंकि पूरा दिन मतलब मेंटल प्रिपरेशन नहीं रहती है कि बात करूं। फ़ोन भी ज़्यादा नहीं उठाती हूँ, करती भी नहीं हूँ। कभी कभार दोनों मम्मियों की कॉल आ जाती है तो मम्मियों के साथ बात हो जाती है, बस इतना ही, और कुछ नहीं करती हूँ। सो ये है बात। आज तो आपको बोला है, आज है शीतला षष्ठी, तो आज वैसे मेरे लिए तो कुछ खाना नहीं बनेगा, इन दोनों के लिए कुछ बनाऊंगी। इवनिंग में कुछ अलग से कुछ आज स्नैक्स वैक्स भी नहीं बनाऊंगी, आज बनाने का मन नहीं है। वैसे बहुत सुबह उठी हूँ आज, आज स्कूल जाना था इसलिए और भी ज़्यादा सुबह उठना था। सो चलो आज बाजी में आपको दिखाना ही रह गया कि आज मैंने अपने लिए क्या बनाया था, मतलब कल क्या बना के रखा था। एक्चुअली खिचड़ी बनाया था और कुछ नहीं। ये पहली बार है जो मैंने शीतला षष्ठी में खिचड़ी बनाया था अपने लिए, और सारी वेजिस को डाल के खिचड़ी बनाए। कल खिचड़ी बनाना था, सरस्वती पूजा बाहर गई थी, बाहर से पुलाव वुलाव लेके आई थी इसलिए खिचड़ी बना नहीं था। सो आज बस ही चावल और दाल से खिचड़ी बना लिया था। मतलब आज ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं गोटा सिद्धो। लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, मतलब बॉयल चीज़, बॉयल सब्जी जो गोटा गोटा, मतलब क्या बोलते हैं, पीस नहीं करना है, बस फुल डाल देना है। ठीक है, ये देखो, इस यहाँ पे फ्लैट बीन्स है, यहाँ पे गाजर है, आलू है, और कुछ ग्रेन्स है, मतलब ये लोबिया है, राजमा है। कुछ मेरी आंखों के सामने, हाथ के सामने था, सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया क्योंकि आहनु को पसंद नहीं है, उनको भी पसंद नहीं है, मुझे खाना है इसलिए मैंने दिया है। बट ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, थोड़ा थोड़ा करके दोनों को दूंगी, बाकी मैं ही खाऊंगी, और क्या करूँ, आज कुछ खाने का मन नहीं है क्योंकि खिचड़ी इतना ज़्यादा, मतलब भूख के मारे, लालच के मारे खिचड़ी मुझे इतना पसंद है, सो मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, थोड़ा सा रखा है गर्म करके। आहनु को थोड़ा बहुत दूंगी, उसको भी पसंद है। सो ये जो आप देख रहे हो ये भगवान जी का सामान है जो मैंने सरस्वती पूजा के लिए ये सब लिया था, अभी क्लीन करके सूखने के लिए दिया है, ऊपर चढ़ा दूंगी। अच्छा, मुझे ना मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी एक दोस्त, तो उसने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैं कहाँ से ब्लाउज सिलवाती हूँ। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता दूँ, मेरा ना कुछ मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक दुकान नहीं है, मैं एक जगह पे देती हूँ, अगर सेटिस्फेक्शन मिलती है तो वहाँ पे जाती हूँ, अदरवाइज मैं चेंज कर लेती हूँ दुकान। तो जिस जगह पे मैं लास्ट ईयर गई थी ना,
वहाँ पे टेलर अलग था और ब्लाउज भी बहुत अच्छा सिलाता है। नेक्स्ट टाइम मैं जरा वहीं पे गई थी लेकिन टेलर चेंज हो गया और ब्लाउज का जो फिटिंग था वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इस बार जो है टेलर चेंज कर लिया है, मतलब दुकान ही चेंज कर लिया। तो ये सब मैं करती रहती हूँ, साल में एक ही बार जाती हूँ दुर्गा पूजा के बाद 4-5 साड़ियों की ब्लाउज सिलवाने के लिए। तो मैं ये नहीं कि एक ही जगह पर चली जाती हूँ, एक ही जगह पर जाती अगर टेलर एक रहता, अगर चेंज होता रहता है तो मुझे तो चेंज करना पड़ेगा ना। मेरा फिटिंग्स अगर सही से नहीं आता है ना ब्लाउज का तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे ब्लाउज का फिटिंग्स चाहिए, भले ही वो मतलब बहुत कम दाम का हो, बहुत ही वो हो, लेकिन मुझे फिटिंग्स अच्छा होना चाहिए बस। ये आप सबके लिए भी सेम है। तो मैं ना एक्सप्लोर करती रहती हूँ, कुछ कुछ दुकानें जैसे कमनाली में बहुत सारे दुकानें, पुनर है यहाँ पे, छोटे छोटे कुछ दुकान भी है जो मतलब अच्छा सिलता है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई अच्छा वाला कुछ मिलता है ना तो मैं दुकान का नाम वाम सब मेंशन कर दूंगी आपको। मैंने तो 2-3 बार कमर्शियल स्ट्रीट से भी बनवाए हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा सिलता है। वो मैसूर सिल्क उद्योग है, उसके नीचे बहुत सारे टेलर्स हैं जो बहुत अच्छे से मतलब सिल के दे देते हैं, वो एक 4-5 दिन के अंदर दे देगा। थोड़ा सा जो मेकिंग चार्ज है वो ज़्यादा लेते हैं, आई थिंक 1200 या फिर 1500 से शुरू होता है। सो यह ठीक है, चलो आनु नैप ले रही है, उसको बुला देती हूँ और मैं भी थोड़ा पौधों में पानी ला देती हूँ, कुछ थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया आज, बहुत दिनों के बाद मौका मिला है आपसे बकबक करने का, अच्छा लग रहा है। आनु और आनु की मुगु, ये मुगु क्यों पसंद है बच्चों को मुझे नहीं पता, आपके बच्चे खाते हैं क्या? लीची वाला फ्लेवर है, क्या उठा के लेके आती है। समय के साथ साथ सब कुछ भूल रही हूँ, एक्चुअली सरस्वती पूजा के दिन हैप्पी वैलेंटाइंस डे भी था, जो क्या बोलो अभी दिमाग से सब कुछ निकल गया। गुलाब है, अच्छा होता अगर वैलेंटाइंस डे के दिन खिलता, सो ये तो अभी तक नहीं खिला है, नेक्स्ट वीक खिलेगा शायद, बहुत लेट होता है खिलने में। इधर हम तीनों के लिए अलग अलग कर लिया है, जिसको जो पसंद है उसको वो मिला है। एक्चुअली ये सब वेजिटेबल्स वगैरह कोई नहीं खाना चाहेगा, इसलिए ही मैं ही खाऊंगी, और बाकी दोनों को बस इस कढ़ाई में डाल दिया व्हाइट ऑयल, उसके साथ कलौंजी और सूखी लाल मिर्ची। आपको लग रहा है दी आज पता नहीं क्या बनाएगी, कुछ नहीं बना रही हूँ ऐसा खास, मैं बना रही हूँ आलू और लॉन्ग बीन्स की एक सब्जी। प्याज डाला है, ग्रीन चिली डाला है, गरम गरम रोटी के साथ, कभी ये बना के देखना, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। हर बार तो बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब सब्जियाँ नहीं बनता है, ऐसी वाली सब्जी कभी कभी गर्मा गर्म अच्छा लगता है। अभी तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, विंटर है थोड़ा थोड़ा, आप ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ना रेसिपी। इसमें भी ट्रिक्स है, अगर आप पहले ही हल्दी और नमक मिला दोगे तो ये फ्राई कम बॉयल सब्जी ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए जब भी आप ये इस टाइप का भाजी बनाते हो ना तो पहले इसका जो पानी है वो सूखने के लिए दो, बाद में हल्दी और नमक ऐड करो, तब देखना फ्राई अच्छे से होगा और खाने में स्वाद भी अलग आएगा। आपका खाना दाल, ये फ्राई, साथ में रोटी, और ये एक मिनिएचर रोटी है छोटू सा। आनू कितने रोटी खाएगी तू? दो रोटी, बट ये फ्री है उसके साथ, दो की तो चाटनी। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं ही पेंट कर लूंगी, आपसे कल मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मैं क्या खाऊंगी समझ में नहीं आ रहा है।